जो लोग तिया बोझ समझते हैं उन्होंने वास्ते ही है साड़ी एक खबर तुहाड़ियां अखां खुल जाणगियां कि तिया की नहीं कर सकतियां। असीं तुहानूं लै चलदे हां मोगा दे चैंबर रोड ते जिथे तीन तिया नाल जो अपने पिता दे काम विच उन्हां दा पूरा सहयोग कर रही हैं। दसना बनता है कि ओम शर्मा अज तो 6-7 साल पहला दिल्ली तो मोगा आए सन ते इत्थे आके इन्हां वल्लों छोले भटूरिया दा काम शुरू किया गया पर करोना की महामारी करके कम ठप हो के रह गया ते इन्हां दे कारीगर भी सारे वापस चले गए। पर हुण जदों प्रशासन वल्लों काम करन दी इजाजत दे दित्ती गई है तां इन्हां वल्लों अपना छोले भटूरिया दा काम दोबारा शुरू किया गया। दुकान ते कोई कारीगर ना होण करके ओम शर्मा कल्ले ही सारा काम करदे सन। जदों इन्हां दी धीआं ने वेख्या कि पापा कल्ले ही सारा काम करदे ने तां इन्हां बच्चियां ने अपने पिता नाल सहयोग देण दी सोची। 5वीं 8वीं ते 10वीं क्लास च पढ़दियां धीआं अज अपने पिता नाल पूरा सहयोग कर रही हैं। सवेरे ऑनलाइन पढ़ाई करन तो बाद यह धीआं अपने पिता नाल दुकान ते आ जांदियां जिथे इन्हां वल्लों पिता दा हथ वटाया जांदा है। तुसीं वेख सकदे हो कि एक बच्ची दुकान ते खड़ के आन वाले गाका दी थर्मल स्कैनिंग कर रही है तो बाकी दो धीआं पैकिंग दा काम कर रही हैं। मुँह ते मास्क ते हर तरह की सावधानी वरतदे हुए ना सिर्फ इन्हां धीआं वल्लों अपने पिता दा हथ वटाया जा रहा है बाकी आन जाण वाले लोग भी हैरान होंदे ने कि यह बच्चियां किन्ना सोहना काम कर रही हैं। तद असीं इन्हां बच्चियां नाल गलबात कीती तां इन्हां की दस्या तुसीं भी सुणो। कितनी देर काम करते हो यहाँ पर आप? कैसे काम करते हो पापा के साथ? हेल्प कैसे करते हो पापा की आप? पापा के बटुए खाते तो हम छोले वगैरह खाते हैं, फिर टेस्ट वगैरह काट कर उनको देते हैं। तो क्लासेस कैसे लगती हैं स्कूल में? कैसे ऑनलाइन होती है पढ़ाई होती है, जब हम पढ़ लेते हैं ना काम हो जाता है फिर हम आ जाते हैं दुकान पर। तो कितने घंटे काम करते हो? हम 7:30 से लेकर 4:30 बजे तक। तो देखो आपको कैसे लगता है कि आप पापा की पूरी मदद करवा रहे हो, आपका भाई छोटा है, तो आप और क्या संदेश देना चाहते हो लड़कियों को? मैं ये चाहती हूँ कि सभी अपने पापा की हेल्प करें क्योंकि अगर है ना लड़के भी कर सकते हैं। उद्योग या कैसे होता है? नहीं, पापा मेहनत करते हैं, हम भी उनके साथ लग के साथ में काम कर लेते हैं। तो दिन में कितने घंटे आप काम करते हैं? कोई पता नहीं, कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज़्यादा भी लग जाता है जैसे होगा। हाँ जी। तो ज़्यादा आपके पास होम डिलीवरी का काम है ना? अपनी बच्चियां दा एक कम वेख के ये पिता अज अपने आप से किन्ना माण महसूस कर रहे हैं, तुसीं भी वेखो। क्या करें, जो ये 3 महीने से लॉकडाउन करके फिर लेबर हमारे पास बैठी हुई थी 3 महीने, उसके बाद वो घर चली गई। फिर मैं, मेरे पास हम कोई वो था नहीं कि मैं दुकान खोल लूँ, अकेले हो नहीं सकता है। इसके बाद एक बच्चे से बात किया, बच्चे कह रहे पापा मैं आपके साथ हेल्प करूँगा और मैं आपका पूरा मदद करूँगा। तो हम बच्चे हमारे साथ आते हैं, सवेरे ही हेल्प कर वहाँ पर भी घर पर भी हेल्प कराते हैं, उसके बाद अपना ट्यूशन का भी काम कर लेते हैं, अभी इनका फीस भी भरना, सारे कुछ काम देखना। फिर इसके बाद ये आके यहाँ पे भी होम डिलीवरी चलती है हमारी अपनी, मतलब ये वो होम डिलीवरी करके मतलब ये पैकिंग वगैरह कर लेते हैं छोटा मोटा, बाकी मैं काम कर लेता हूँ और ये साथ में हमारे लाड़ते मतलब हमारी साथ देते हैं। 3 बेटियाँ आपकी? हाँ, और बेटा जी एक बेटा छोटा अभी 5 साल का है। बेटा छोटा? हाँ जी। तो कितने घंटे रोज ये काम करती होगी और कितनी आपको हेल्प मिलती है इससे? बहुत सारे काम यही कर लेती हैं लगभग, मैं मुझे मतलब कोई चीज़ नहीं, थोड़ा बहुत ही करना पड़ता, बाकी सब आप अपने आप ही कर लेते हैं। मैं कोई काम करने जाता हूँ, एक आधी पापा बढ़ाने दो, मैं कर लेता हूँ सारा काम, ये संभाल रही हूँ। आप क्या कहना चाहते हो कि लड़कियाँ आपके साथ इतना काम? सिंपल ही है जी, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, क्यों नहीं? आज लड़के जिसके पास लड़के ही नहीं, अगर लड़के हैं तो सारे वो लड़के हमारे काम नहीं, किसी काम के नहीं। कई लोग नहाए निकल जाते हैं, नहीं पापा की सुनते हैं, लेकिन ये बेटियाँ हमारे सुबह काम मेरे साथ खड़ी होती हैं। और आपके परिवार का पूरा सिंपल देना चाहते हैं कि कोई बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जो लोग तियां नूं समाज के बोझ समझते हैं वो एक गल याद रख लैन कि तियां करके ही समाज चलता है।